सूर्या ने किया भांगड़ा, खिलाड़ियों ने सुनाए मोदी को किस्से, टीम इंडिया पहुंची अपने वतन। टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ विश्व विजेता टीम इंडिया गुरुवार सुबह अपने वतन लौट आई है। विश्व कप के उस खिताबी मुकाबले को हुए भले ही एक सप्ताह बीत गया हो, लेकिन देशवासियों के चेहरे की खुशी आज भी वैसी ही है जैसी सूर्य कुमार यादव के कैच लपकने के बाद थी। तभी तो जब आज टीम इंडिया सुबह दिल्ली पहुंची तो अल सुबह ही हजारों की तादाद में लोग पलक पावड़े बिछाए नजर आए। टीम इंडिया सुबह करीब 6:15 पर एयरपोर्ट पहुंची, जहां कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत टीम के बाकी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ दो बसों में होटल के लिए निकले। मोरिया होटल पहुंची टीम इंडिया का इस मौके पर फैंस ने भी इंडिया इंडिया के नारे लगाते हुए दिल्ली की सड़कों पर जोरदार स्वागत किया। होटल से पहली तस्वीर कप्तान रोहित शर्मा की आई, जो इस दौरान अपने परिवार के साथ होटल के अंदर जा रहे थे, जबकि ऋषभ पंत मोरिया होटल में विश्व कप की ट्रॉफी ले जाते हुए नजर आए। इस बीच फैंस की खुशी और भी बढ़ गई जब इंडियन टीम के स्टार प्लेयर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पंड्या और कप्तान रोहित शर्मा होटल के बाहर भांगड़ा करते हुए नजर आए। होटल पहुंचे टीम इंडिया के खिलाड़ियों के स्वागत में रेड कार्पेट बिछाए गए थे। इस मौके पर होटल में टीम इंडिया के लिए स्पेशल केक भी तैयार किया गया था, जिसे इंडियन वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली और कोच राहुल द्रविड़ ने काटा। होटल में करीब 1 घंटे के विश्राम के बाद वर्ल्ड चैंपियन पीएम नरेंद्र मोदी के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर पहुंची, जहां पीएम मोदी ने उनका नाश्ते पर स्वागत किया। इस मौके पर पीएम ने सभी खिलाड़ियों के साथ काफी देर तक बातचीत भी की तथा सभी खिलाड़ियों ने भी विश्व कप से जुड़े कई किस्से साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद दोपहर करीब 1 बजे टीम इंडिया मुंबई के लिए रवाना हुई। मुंबई में टीम इंडिया ओपन बस में मरीन ड्राइव से वानखेड़े तक परेड करेगी, जबकि वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया को प्राइज मनी दी जाएगी। मुंबई भी इस दौरान टीम इंडिया के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार को तैयार खड़ा है। स्पेशल डेस्क से भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।